तत्राभवत भगवान। कौन आया वहां? श्लोक कहता भगवान कैसे आए? व्यास पुत्रो बभूव। कैसे आए? बोले व्यास पुत्र के रूप में आए भगवान। भगवान है कैसे? अलक्ष लिंगो निजलाव तुष्ट वृत्तिश्यवालैरवधूत वेश है। कैसे? बोल दुयष्ट वर्ष, दो आठ वर्ष के। दो आठ वर्ष के मतलब आज का तो दो वर्ष का बालक आठ वर्ष का लगता है। हैं तो सोलह वर्ष के। कौन? सुखदेव भगवान। सरकार सुखदेव भगवान हैं तो सोलह वर्ष के, लेकिन लग कैसे रहे? बोले आठ वर्ष का जैसा बालक होता है जिसमें छल छद्म नहीं होता है, ऐसे ही सुखदेव भगवान लग रहे हैं। दुयष्ट वर्षा अलक्ष लिंगो निजलाव तुष्ट, अपने आप में ही आनंद लेने वाले। वृत्तिश्वालय रवधूत वेशा, कोपीन ही मात्र जिनके तन पर है, ऐसे सुखदेव भगवान पधारे। और जैसे ही आए, राजा परीक्षित ने इनका पूजन किया है और पूजन करके प्रार्थना की है, प्रभु कृपा करो, और प्रश्न किया है। सुखदेव भगवान पधारे, गौ दोहन मात्र के स्थान पर रुकते हैं, प्रार्थना की पूजन कर रहा है राजा परीक्षित। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो बताओ कौन नहीं मरेगा? ये राजा परीक्षित ने प्रश्न अपने के लिए किया है कि जन कल्याण के लिए किया है? म्रियमाणस्य सर्वथा, मरने वालों को क्या करना चाहिए? ये शरीर कैसा है रहेगा सरकार? ये जो गोरी काली चमड़ी है ये ऐसी रहेगी क्या? नहीं रहेगी ना। तो ये प्रश्न राजा परीक्षित ने हम लोगों की तरफ से सुखदेव भगवान से किया, मरने वालों को क्या करना चाहिए? वो प्रसन्न हुए। बरियाने सते प्रश्ना, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। क्रतोलो कही तो नप आत्मा विसम्मता पुंसा श्रोतव्यादिषु या परः। खूब प्रसन्न हुए और फिर कहा राजा परीक्षित से, अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास तो सात दिन है। कितना दिन है? सात दिन। तुम चिंता न करो, हम तुम्हारे क्या कर लेगा काल। राजा खट्टवांग के पास तो इतना समय नहीं था, दो घड़ी में उन्होंने अपना कल्याण कर लिया था। तुम्हारे लिए मैं सन्मुख बैठा हूं, ऐसा गुरु सन्मुख हो तो कोई क्या कर पाएगा। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। राजन चार वेद हैं, छह शास्त्र, अठारह पुराण, सुनते सुनते जिंदगी निकल जाएगी, क्या सुन पाओगे तो क्या करो? श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास ना खोय, ना जाने आ श्वास का आवन होए ना हो। अब तो सबको मालूम कि अभी है, पता नहीं मिलेंगे दोबारा कि नहीं मिलेंगे। अरे अभी तो थे, चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे ही जाने कितने चले जाते हैं। जन्म लेने का सबसे बड़ा फल क्या है? जन्म लाभ परम पुंसा, मन्ते नारायण स्मृति, अंत में जब प्राण छूटे तो राम नाम निकले। अब कब निकलेगा? जब कभी लिए नहीं होगा तो निकलेगा क्या? इसलिए पहले से अभ्यास करो, पहले रफ बनाओ, रफ के बाद फिर फेर करो, राम नाम लेना प्रारंभ करो। हे राजन जितासनो, आसन जीतो, जित संगो, संग जीतो, जितस्वासो,
जितेंद्रिया स्थूले भगवते रूपे मना संधारे दिया। अपने मन को एकाग्र करके गोविंद का स्मरण करो और फिर भगवत चिंतन करते हुए तुम परमात्मा का स्मरण करते कब उस गति को प्राप्त हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। विचार तो आएंगे और जाएंगे, रोक नहीं पाओगे। परम पूज्य राम सुखदास जी महाराज का विचार है, वो कहा करते थे विचार तो आएंगे और जाएंगे, उन्हें रोक नहीं पाओगे, लेकिन विचार के आने में और जाने में गैपिंग होती उसको बढ़ाते चले जाओ। और उसमें स्थूले भगवते रूपे मना संधारे दिया, अपने हृदय में उसको धारण कर लो,